राम राम जी। सारा उम्मीद करो सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से होंगे। सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है और बहुत अच्छा दिन है, तो मैं आज बनाऊंगी पूड़ी। आप देखना पूड़ी बनाते हुए। आज की क्योंकि छुट्टी है तो वो चिल्ला रहे हैं फोन दे आज फिर भी। और आज भी तीसरा दिन है, नेट नहीं चला भाई, तो मैं भी दिखाती हूँ, मैं भी पूड़ी बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी मैं। तो भी मैं है ना इसमें ये गुड़ लाई हूँ, गुड़ फोड़ूंगी, इस तरफ से फोड़ दूंगी इसे। बोलो तो मैं सारा इसके इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसमें पानी डाल के इसको गर्म कर लूंगी। तो आज की टिकी छुट्टी तो चिल्ला रहा फोन दे दिन बना लिया कि छुट्टी वाले दिन मेरा फोन है ना। ये मैं इसमें तो डाल देती हूं, नहीं हो रहा है बुढ़े। तो इसमें डाल लिया, इसमें पानी डाल के और गर्म कर दूंगी। और देखो भाई सब्जी, एक बार देखो सब्जी, देखो इस चीज की सूखी सब्जी बनाई है। पूरे और रोटी बनाऊंगी जब दिखाऊंगी आपको हमारा। आज भी नाइट नहीं चला, आज तीसरा दिन हो गया, बहुत बोर हो चुके हैं। दुआ करो जल्दी ही नाइट चल जाए। तो मैं इसको गर्म कर लेती हूँ, इतना टाटा बनूंगी तो ठंडा हो जाएगा ये पानी, इसको गर्म कर लेती हूँ मैं। और मेरा सूट बताना आपको कैसा लगा, देखो कैसा लगेगा सूट, ये दोनों का अच्छा बता दे। तो देखो भाई ये देखो कैसा लगेगा सूट बताना, ये पुनिया पुनिया बाजू है। तो मैं काम कर लेती हूँ अब, ठीक है। इतना कि तू देख लेगा, फिर थोड़ी थोड़ी भी चमकी लग लेता। चलो देख ले तू। तो मैंने ना इसमें कुछ का पानी उबाल दिया था, और पानी उबाल के बाद रख दिया था, मैं इतना ठंडा हो जाएगा। मैं इतने रोटी बनाने लगी और ये लोटा बिल्कुल साफ, ये पानी है ना इसमें छान लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने ना उसका चून का गोल बनाना है, इसी में बनाऊंगी गोल। तो मैं इसमें छान लेती हूँ ये सारा पानी, मैंने इसमें छान लिया पानी भी, कोई कुछ भी तड़का ना, तो सारा इसमें छान लिया। पहले फिर मैं थोड़ा आटा छान लेती हूँ, इसमें मैंने इसमें आटा छान लिया। फिर रोटी मैंने बना दी, मम्मी को दे दी थी, मम्मी पूड़ी नहीं खावेगी इसलिए मैंने रोटी बना के मम्मी को दे दी, रोटी बना दी थी। देखो सब्जी भी बना दी थी, रोटी बना दी, मैंने सब्जी दिखाई आपको टिंडा की सब्जी थी, और रोटी भी बना दी थी। और मैं बना रही हूँ थोड़ी पूड़ी, अभी दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे बनाए जाते हैं पूड़े। इसमें थोड़ा सा चून छान लेती हूँ, पानी मैंने छान लिया, और मैंने साबुन के साथ अपने हैंड वॉश कर रखे हैं, क्योंकि खाना बनाने से पहले मैंने अपने साबुन के साथ हैंड वॉश कर लिए थे। खाना रोटी रोटी बनाई है, तो मखा रोटी बनाने के बाद में करूँगी मैं। और इसमें डाल देती हूँ मैं चून के हिसाब से, जितने मैंने बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते तो कुछ भी छोटी डिमांड हो जाती है। और एक ले लेती हूँ मैं चम्मच, पटली में लेती हूँ, पटली के बगैर नहीं बैठा जाता। तो जो मैंने पानी छाना था कब इसमें डाल देती हूँ, टेस्ट कर देती हूँ उसका। तो पहले तो इसमें बिल्कुल मतलब एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा पेस्ट गोल करना पड़ा है इसका। एक पानी का गिलास दी हो, एक पानी का गिलास दिया, बिल्कुल मतलब एक भी गांठ नहीं है इसमें। अच्छे से पेस्ट करना है तो मैं हाथ के साथ ही करूंगी, ये तो मैं थोड़ा थोड़ा मिलावट कर ली हूँ, तो ये गांठ गूंठ है हाथ के ही साथ है। थोड़ी भी मशीन भी है तो मशीन से ना लेप टूटेंगे, तो मैं हाथ के साथ ही करूंगी इसको। ना ही तो ज्यादा मतलब पतला होना चाहिए, ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए, क्योंकि गुलगुलों का तो टाइट होता है, पूड़ों का टाइट नहीं होता। पूड़ों का तो थोड़ा सा अभी दिखाऊंगी मैं कितना पेस्ट कैसा गोल बनाती हूँ मैं, क्योंकि टाइट चून में फिर पूड़े है ना बन तो जाऊंगे, पर कड़े कड़े बनेंगे, ज्यादा मतलब पतला में भी नहीं बना, इधर टाइट और पतले के बीच में होना चाहिए आटा। बिल्कुल मैं ये सारी गांठ मोड़ लूंगी, क्योंकि एंड वो सामने मैंने कर लिए थे, क्योंकि खाना बनाने से पहले ही मैं साबुन के साथ कर लेती हूँ। और देखो ऐसा चून होना चाहिए, मैंने सारी गांठ गूंठ फोड़ ली है इसकी, बिल्कुल भी ये गांठ नहीं है बिल्कुल भी, देखो। और अब मैं गर्मा गर्म पूड़ा बनाऊंगी और पूड़ा आपको खिलाऊंगी, देखना। और भी नेट बगैर तो आज है ना तीन चौथा दिन हो गया, नेट बगैर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, और पता नहीं कब आएगा नेट। बसंत पंचमी है आज, बहुत अच्छा दिन है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, यूं ही भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहो और मेरा सपोर्ट करते रहो। और ये मेरा पेस्ट बन चुका है, मैं ऐसे कर, मशीन भी है पर मशीन के साथ है ना वाल लग जाओगी, तो मैं तो अपने हाथ के साथ कर लेती हूँ, इसमें कैसे भी हाथ के साथ ही बोलते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट कर लेती हूँ मैं, इस तरह से
बिल्कुल गांठ गुट सब होगी और देखो ऐसा 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 होना चाहिए। गुलगुले का थोड़ा टाइट होता है, मतलब ज्यादा भी टाइट नहीं होता क्योंकि ज्यादा टाइट से भी है ना गुलगुले करड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है देखो, तो रखते ही ऐसा पूरा बन जाएगा देखो ऐसे। ये दिखाती हूँ मैं आपको एक बार, ये देखो ऐसा 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 होना चाहिए। पूरा बनाती हूँ इतने इतने पूरे बना करती, पूरा पूरा प्रदान है उसका चुन गोड़ा करती तब बना करती, थोड़ा सी प्रसाद आते जब बना दिया करती। तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पर पूरे एंड वॉश कराती हूँ, मैं इसको ऊपर रख देती हूँ और तोवा और पलटा साफ करके लाती हूँ। मैं तोवा और पलटा पहले साफ कर देती हूँ, पहले हाथ धोती हूँ, पानी था बिल्कुल इसमें तो फिर सारी बर्तन एक्स्ट्रा के निकाली देती हूँ मैं, जरूरी नहीं है सारा इसमें डाल दिया में इसमें क्या हाँ बट देखना गर्म कर दिया फोटो निकाल दूंगा कि तेरे को तो हम काट दे तू खा क्या तू खाओ चल खा ले तू कितना आवाज आ रहा एक बबरी चम्मच है चम्मच दे ठाक ना बहुत तो नहीं पीबी तो नहीं हो जाए हैं ये को दे दे इतने क्या तो हो जाए हैं और दे होता मैं ना तुम तो कुछ भी ना करो तो वो कर ले फिर तू ऊपर की आप अपनी सिता दे ले उसी अपनी इसने तो मैंने सारा सामान तैयार कर दिया है, इसमें तेल डाल दिया और ये चून का गुड़ बना लिया है और तोवा धुलाई मैं पलटा भी धुलाई हूँ अभी मेरा मोटर जा रहा है और ये चम्मच ले ली है तेल को यहाँ रख देती हूँ मैं लाइटर को ऊपर रख देती हूँ अभी करो और ये मत्स्य का वो ले आई मैं इसको ऐसे करने के लिए और अभी दिखाती हूँ मैं पहले इसमें थोड़ा तेल डाल देती हूँ ताकि हो गया कि ये और ये रख ली मैंने प्लेट अभी बनने जा रहे हैं पूरे अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो सुरवाला पूरा होता है ना वो अच्छा नहीं बनता उस मतलब थोड़ा क्योंकि चिकना अच्छे से चिकना तावा नहीं होता फिर दूसरा बना के दिखाऊंगी क्योंकि ये है ना ज़्यादा नीचे लग गया था वैसे बन तो ठीक गया तो फिर ये नीचे जाता है तो भाई इस तरह से इसको गोल किया जाता है बिल्कुल गोल हो गया ये देखो और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको लगा देती हूँ तेल मैंने ये देखो अभी है ना सारा तोवा चिकना हो चुका है शुरू शुरू में ये पूरा थोड़ा हो जाता है इसको थोड़ा बीच में ऐसे कर लो इसके साथ इसको ऐसे खाओगे एक हाथ में खो ले रही हूँ तो दिक्कत हो रही है मेरे को ऐसे ऐसे जांच कर ली है मैंने फिर फटाफट बन जाएंगे अब और सुनाओ आप लोग कैसे हो मैं तो बनते रहेंगे बना रही हूँ मैं फिर कभी कभार ये अच्छे लगते हैं ये ऐसी ऐसी चीजें डेली नहीं खाई जाती बनते हो गया तैयार मैंने प्लेट में रख दिया आप दूसरे पूरे की कर देती हूँ तैयारी और आप भी ये कहोगे कि इसमें कुछ बनाती रहती है क्या करें घर वालों की डिमांड हो जाती है तो बनाना पड़ता है मना भी नहीं कर सकते तो मैंने कभी भी मना नहीं किया खाने पीने की चीज भी जो बनवाई है वही बनाया है मैंने पहले फटाफट बना देती क्योंकि फिर आखिर फोन मैंने पकड़ना पड़ता है स्टैंड मैंने लगाया नहीं तो दूर जाके रख रखा मैंने फोन और भी फिर से आरक्षण छुट गया है और सब किसानों किसान भाइयों का साथ दे देखो सरकार ने बात माननी तो है एक महीने पहले बता दिया था किसानों ने तो माननी क्यों नहीं क्यों क्यों धरना पर बैठा हो रही है
क्यों खाम खाई क्यों किसी के घर उजड़ा है, तो अपना इस लड़ाई झगड़ा है तो प्यार से सुलझ हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि देखो यूक्रेन का रूस का झगड़ा हो गया था है? तो किसी ने एक दूसरे ने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन सब घर बेघर होकर के तब भी तो बात मानी है, तो भी इसमें कुछ नहीं करिए। वैसे तो सरकार दूसरे देशों के भी सुलझा रहे सुलझते हैं, लेकिन अपने अपने उलझने होती है तब आरक्षण छुट जाता है, तब ये बात मानते नहीं। वो किसान भाई भी ठीक कर रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं। ये फ्री में सिलेंडर कहां से आ जाते हैं, ये किसानों से सब निकालते हैं, लेकिन किसानों की डिमांड क्यों नहीं पूरी कर रहे। तो याद होना कि कुछ छुट्टी है, और आज वो ईद तो खेलने गया है, फिर वो मेरे को फोन नहीं देगा, तो इसलिए मैं बनाने लग रही हूँ। वो लोग महारो की खाना बनाते बनाते मैं बना देती हूँ। तो सभी भाई किसान भाइयों का साथ दे। देखो हम ये निकल कह रहे भी सरकार भी काम नहीं कर, सरकार अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है भाई, जब इतना अपने इतने बड़े देश को संभाल रही है, क्योंकि हम पर अपने घर में संभाला जाता है, वो अपने देश को संभाल। लेकिन हर किसानों के भी मतलब कुछ होना चाहिए, और ये सरकार तो हिलने वाली भी नहीं है, जाएगी नहीं बिल्कुल भी है। तो धुआं धुआं आ गया रसोई में सारा, बाकी गेट खोल रखा है क्योंकि इसका धुआं ज्यादा। पहले तो मेरे है ना यूं मतलब कम से कम भी घंटा लगा करता, बैठ कर उतारा करती, एक कटोर दान पूरा का उतारा करती, सारा परिवार था, तो मतलब बनाते बनाते तेल चढ़ जाया करता, लेकिन आप नहीं चढ़ता। मैं खाली कैसे करूंगा, तो ये बनाने लग रही हूँ, थोड़ी देर रुक जा। हमें तो नेट की समस्या है, फिर नेट कब आएगा, नेट वगैरह बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा क्या। वैसे क्या बात प्रसिद्ध नहीं हो रही, वैसे बात प्रसिद्ध हो रही है, फिर नेट क्यों बंद कर रखा है। हमारा तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उनका बहुत प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि नेट की इतनी बचत हो रही है। तो इतना मेरा हो जाएगा फिर तो, वह तेज गर्म होगा, तो फिर मैंने ये बंद कर दिया है। तो कई दिन से, कई दो तीन दिन तो फिर ऐसा मौसम सा हो गया, जब बरसात आओगी, आज फिर से साफ मौसम है, फिर इसमें काम भी बच जा है, तो क्योंकि मैंने ना ये बंद कर दिया था, इसका बंद कर देती हूँ, उसके बाद फिर हो जाएगा। तो बताना भाई पूरे किस किस के घर बनाने, पूरे भी सबको उतारने नहीं आते, सब नहीं उतारते पूरे। मैंने भी कुछ नहीं काम करना, मैंने भी कुछ नहीं करना आया करा था, सारा यहीं पर सीखती हूँ पूरे। अब मतलब हर काम में परफेक्ट हूँ, मतलब कोई भी काम होकर रसोई का सारा बना लेती हूँ मैं, और अपने घर से कुछ नहीं सीखा था मैं, सिर्फ पट्टी आई थी, और ना ये गया अभी मैं नहीं करूँगी ये नहीं करूँगी, जो मम्मी सिखाती गई मैं वो सीखती गई। और यूँ है जिंदगी में किया संघर्ष ही है। धूप निकल गई है, रसोई में ही हूँ मैं, तो मैंने बंद कर दिया था, दिखाती हूँ मेरे बाप को। ये देखो भाई, ये मेरा पूरा बन रहा है, और खा लो पूरे, दिखाई दिया। तो भी मैंने सारे पूरे उतार दिए हैं, देखो ऐसे पूरे आए हैं, और खा लो आप भी, देखो खाओ आप भी, प्यार से खिलाते हूँ सभी को, घर वालों को भी प्यार से खिलाते हूँ, सभी को प्यार से खिलाते हूँ, खाओ। तो इनको पैक कर देती हूँ अभी, क्योंकि गर्मा गर्म रह जाऊंगी इसमें रोटी। और मेरी चुन्नी है ना सारी एक साइड जा रही है, चुन्नी को सेट कर लेती हूँ, ऐसा गर्मियों में ना सर्दियों में ऐसा टोपा पहना करते, बाल भी उड़ गए अपनी टोपा टापा पहने गए, इसमें रख देती हूँ मैं ये। वसक करके दर्द दे, क्या बात है, कुछ नहीं, मत थोड़ी लड्डू के लिए रख देती, खाने क्या मन है, ये पटा डिब्बा मन, कोई कोई इसको ना मीठे के साथ खाते हैं, कोई चाय के साथ खाते हैं पूरे को, कोई चार के साथ खाते हैं, सबका अलग अलग खाने का नजरिया टेस्ट आता है सबको अलग अलग। मैं तो अचार और नॉर्मल के साथ खाती हूँ, मेरे पापा थे वो शक्कर बवा का या मीठा बवा का उसके साथ खाया करते। मैं अंदर भोग लगाती हूँ एक बार, तो भी काम हो गया सारा, और चिकना हो रहा था सलेट सा, अच्छा गर्म पानी देकर उसमें ना सिर्फ डाल के तब जाके पोचा लगा लूंगी मैं, मैं पोचा लगा दिया, मैंने कहा बाहर दिखाऊंगी अभी जाऊंगी।
ऑडियो सपोर्ट करते रहो और नेट मेरा चल नहीं रहा, कमेंट का रिप्लाई में ध्यान नहीं पा रही, तो उसके लिए सॉरी मांगती हूँ। और मेरी वीडियो को यूं ही लाइक करते रहो, आप लोग बेचारा प्यार देते रहो, क्योंकि बेचारा सुन चढ़ गया है, नेट ये नहीं पता कुछ आगे से आगे कितने दिन तक नहीं चलेगा। तो उसने अपना ना सारा चिकना हो रहा था, तो मैंने सर का पैसा लगाया है। मेरी वीडियो को यूँ लाइक करते रहा करो, सपोर्ट करो, और नेट इतना नेट नहीं चलेगा इंतजार करो, कमेंट पर भी नहीं और रिप्लाई भी नहीं दे। आज का ब्लॉग का दाइन में यही करती हूँ, बाय बाय।